गोल लगातानी भोजपुरिया समाचार में और स्वागत बटुए। आज भोजपुरिया समाचार के टीम पहुंचल बिया उत्तर प्रदेश के मऊ जिला में, जहां पे कहल गइल बा, शास्त्र बतावता कि जहां माता सीता के रखल गइल रहे गुप्त रूप में, वहां के नाम वन देवी रखल रहे। महर्षि विश्वामित्र जी ऐजे रखले रहीं, वही तपोभूमि पे आज भोजपुरिया समाचार पहुँचल बटुए। आज बात कैलिए जाके महाराज जी से, सारा कहानी कैसे कैसे कहानी के शुरुआत भइल, कैसे या लोग के जमावड़ा लागे लागल, कैसे माता के विस्तृत चर्चा हमनी के आज जानकारी मिली भोजपुरिया समाचार पर। आई बात कही जाओ भोजपुरिया समाचार पे महाराज जी से। महाराज जी भोजपुरिया समाचार में और स्वागत है जी। धन्यवाद। पहले महाराज जी ये बताई कि आज ई वन देवी माता बाड़ी, यहाँ के का कहानी बटुए। वन देवी माई जो नहीं, जब रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आई ला, तब वहाँ से फिर माता जी का जब निष्कासन भेल फिर अयोध्या से, तो वो जंगल में आई लें। जंगल में वाल्मीकि जी के आश्रम पर आई लें। आश्रम पर माता जी जब आई लें तो उनका पहचान छिपावे खातिर महर्षि वाल्मीकि जी जो उनका नाम वन देवी से मतलब संबोधित कैला और नाम वन देवी ही रखला। आ एकर प्रमाण जो है वाल्मीकि रामायण में आपके मिल जाए। और यहाँ तक भी बतावल जाला कि लव कुश का जन्म इधरे भइल रहे, और यहाँ से थोड़ी दूरी पर तमसा के तट पर रणबीरपुर एगो गाँव बा, जहाँ यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर के लगभग पड़ी। आ वहाँ जो न अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा रहे ओके लेके जो न रणबीरपुर में लव कुश से और राम जी की सेना से जो न युद्ध भइल रहे, आ ए लिए वो जो स्थान का नाम लोगन के कथनानुसार सुने में आवेला कि यही से होकर स्थान का नाम रणबीरपुर पड़ल। महाराज जी कितना पीढ़ी रुरा हो गई माता के दरबार में? जी हम आपसे बताओ थे 7वीं पीढ़ी पर हम आई यहाँ का महंत, हमारा नाम सुनील गिरी है और 7वीं पीढ़ी पर हम यहाँ हैं माई के स्थान पर। महाराज जी जमाना बदल गए जी, लोग बदल गए लेकिन रौरा अपन संस्कार ना बदल गए, एकरा पीछे का कारण? सबसे हमारे देश में, हमारे समाज में और हमारे जो धर्म है, हमारे धर्म जो सनातन धर्म है, इस सबसे प्राचीन धर्म है। ये धरती का सबसे प्राचीन धर्म हमारा सनातन धर्म है। आ ए लिए हमारे शास्त्र में भी कहल जाला कि वसुधैव कुटुम्बकम, माने पूरी धरा जो है, पूरी या वसुधा जो है, जो धरती है, ये पूरी धरती एक ठे परिवार के समान है। आ सब परिवार ही है। ए लिए हमारा धर्म ये सीख देला, हमन के सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व स्तर पर है। आ हर जगह एकर अनुयायी हुआ। आ ये धर्म का थोड़ा ये भौतिकता के वजह से कुछ ह्रास होता है, लेकिन फिर भी अभी साधु संत महात्मा ऐसे हम जिनकी वजह से अब भगवान के कृपा से, माता के कृपा से एकर प्रसार प्रचार भी मैंने अच्छा ढंग से हो रहा है। ऐसे मंदिर को सबसे अधिक भीड़ कब लगेला? सबसे ज़्यादा भीड़ देवी नवरात्रन में लगेला। आ जो न चैत्र रामनवमी का विशाल मेला भी माई के स्थान पर लगेला। यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आवेल, अन्य प्रांतन से भी लोग आवेल जी। मंदिर के माता पुराना मंदिर माता के जी, यह पुराना मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। आ एकर जानकारी केहू ना बता पावेला, हमन 7वीं पीढ़ी पर हैं, हमन का पूर्वज भी ना बता पौलन कि मंदिर कब का। आ इधर क्षेत्र जवार का जितना भी लोग हम बड़ बुजुर्ग केहू अपने से ना एक बता पौलस कि कब का मंदिर है। ए लिए सिद्ध होला कि बहुत अति प्राचीन यह सीता मैया का मंदिर है, जिनकर नाम वाल्मीकि जी वन देवी रखना, इसलिए वन देवी सीता के नाम से माता जी यहाँ विख्यात है। जी ऐसा न कि वो मंदिर वैसे ही है। आ यह मंदिर का जब जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण हो जाए तो वो स्ट्रक्चर के, वो ढांचा के हटा के फिर
वैसा ही मंदिर से एगो स्वरूप होकर बदल के बन जाई। लेकिन जौन माई का स्थान है, जौन सिंहासन है, प्रतिमा है, वो जैन छेड़छाड़ कोनो प्रकार का ना हो। माता जी सिंहासन के साथ प्रकट है धरती से। माता जी का दो प्रतिमाएं जौन है सिंहासन पर विराजमान है। जौन दक्षिण तरफ प्रतिमा है वह बन देवी सीता मैया का है, और जौन उत्तर तरफ प्रतिमा है वह माँ बन दुर्गा का है। महाराज जी एक चीज बताएं कि जो तालाब के वो चर्चा होगा जी, तालाब के काम चर्चा होगा। माही की स्थान से लगभग 60-70 मीटर दूरी पर एगो तालाब है। लोग बतौलना कि यहाँ जो ना वाल्मीकि जी का स्थान रहे, और जैन वन विभाग जो ना अपने मतलब योजना के अंतर्गत वहाँ घड़ियाल पालन खातिर वहाँ कंपार्टमेंट बनौलन। आ कंपार्टमेंट बना के सोचलन कि दो ट्यूबवेल का पानी चलौलन, लेकिन कभी उनमें पानी रुकल ना, उनका पूरी योजना जो है विफल हो गई। पानी ना रुकल जी, कभी ना रुकल जी। ये आश्चर्यचकित घटना है जो उनकी हमन की नज़र के सामने ही गुजरल। वो ना कहीं बनौले हम ना, ही ना कहीं ना बनौल, उनके व्यवस्था बंद कर दल जी जी। जंगली जीव कोनो हिंसक जीव ना हम हमारे जंगल में जी। यहाँ बंदर हम आ सियार बाण, घड़रोज बाण, बनसुअरा भी पावल जात हूँ हमारे जंगल में। जी बहुत व्यापक स्तर पर कोरोना का असर बा। जौन पढ़ल लिखल समझदार लोग हम मतलब सामाजिक दूरी भी बना के रहत हम, और जो है मास्क का भी प्रयोग करत हम, वैसे पढ़े लिखे लोग जानकार लोग मंदिर पर कम ही आवत हम। ए लिए भीड़ भाड़ भी काफ़ी प्रभावित है। ए साल जो है मेला वाला भी ना लगल एक कोरोना के वजह से। जितना भी मंदिर के जी जी समस्या जी बिल्कुल सामना करे के पड़त है। बहुत व्यक्ति ऐसा हम पैसा लगा के सोचल कि मेला लगी, मेला के कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्थगित कर दल गए सरकार के द्वारा, और जो न नवरात्रि भी जो चलल वो सरकार के गाइडलाइन से प्रभावित होके जनता यहाँ के उतना अबे न कल। सामान्य दिन से भी कम जो न भीड़ यहाँ देखे के मिलल। जी उनके रहे का व्यवस्था हमारे पास है। वो कभी भी आ जाए तो उनकर आगंतुक हो में उनका स्वागत है। उनके खैला कर रहला कर और स्नान कर पूजा पाठ कर सारी व्यवस्था हम उपलब्ध कराएगा जी। अब यह स्थिति ना रह तो कथा कभी भी हो जाले। हाँ नौमी उमी में हो जाए जी जी। समाचार के माध्यम से पानी हो रहा है। यह माई का बहुत प्राचीन मंदिर है, माँ सीता बन देवी का, और हम यह कहब कि माई के दरबार में जे भी आवेला सबका मनोकामना पूर्ण होले। आदमी प्रसन्न होला तो माई के नारियल चुनरी ये सब चढ़ावे ना, हलुआ पूड़ी यही सब चढ़ावे ना, और सबका मनोकामना माई पूर्ण करेले। रौरा मिलनी आज वन देवी माता के जे संचालक वानी महंत वानी महंत जी से, महंत जी बतैनी कि का विशेषता बा, का खासियत बटुए, काहे वन देवी माता के यहाँ दरबार में लोग आवेला, या काहे लोग शादी विवाह भी संपन्न करावेला, ये सारा कुछ भोजपुरिया समाचार के वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय के साथ चंद्रशेखर सिंह। सामने बा जी, ये तालाब की खासियत का बटे जो अभी सामने बा। लोग बतावे ना कि ये जो वाल्मीकि जी का आश्रम रहे, और ये तालाब में कभी भी पानी ना हो पावेला। कितनों बार बारिश आई, बाढ़ है आ जाई, यहाँ तक कि वन विभाग एमन घड़ियाल पालन खातिर दूठे ट्यूबवेल का पानी, 5-5 हार्स पावर की ट्यूबवेलन का पानी एमन कंबाइन नाली से गिरवौलस। आ नीचवा भी एक फरसवा जो है एकदम सीमेंट से एकदम सब प्लास्टर वगैरह कह के उसमें मने मिट्टी ना रहनी छे, तब वो एमन पानी ना भल। बहुत अथक प्रयास करके उनका बुरी व्यवस्था यहाँ फेल हो गई।
यही से बतावल जाला कि जब वाल्मीकि जी का स्थान रहला जौन की थोड़ा ओके जो है खराब कर दिया गया वन विभाग द्वारा एक एक बदलाव करके पहले दिन में दीवाल भी नजर आओ जी है। मैं पहले पूर्वज लोग बतौलो कि बन मिट्टी का दीवाल रहे जो पहले लोग मड़ई उड़ई डालें चाहे खपड़ैल उपड़ैल बनावें तो मिट्टी की दीवाल पर ही बनावें तो ओकर अवशेष रहे। तो ऋषि के पुण्य प्रताप यहाँ पे था और यहाँ पे दूसरा कोई कार्य हो रहा था इसके वजह से हो सकता है कि ये तालाब में पानी ना भरे जी हो सकता है। ये चीज़ हम देखली अपनी आँखों से देख हमने के जीवन में उस 1992-93 की घटना बा जी।